गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैंने आपको लेसन 6 डिवाइड पढ़ाई थी और उसमें मैं बताई थी डिवाइडेड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवाइड करना है लेकिन किस विधि से करना है, सब्ट्रैक्शन विधि से करना है। मैं पिछले क्लास में मैं आपको बताई थी कि सब्ट्रैक्शन विधि से किस तरह से डिवाइड होता है। तो आप देखिए 15 डिवाइड 5, यानी 5 का टेबल कितना बार पढ़े तो 15 आया 3 बार। तो हम क्या करेंगे, 15 में से 5 माइनस करेंगे, 10 आया 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आया, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आया। यानी कि 15 डिवाइड 5 है तो उसको हम 15 माइनस 5, फिर जितना आया उसमें से 5, फिर जितना आया उसमें से 5 माइनस करेंगे। और इस तरह से हम देखेंगे कि हम 5 को कितना बार डिवाइड पढ़े, 1 2 3 टाइम्स पढ़े तो मेरा कितना आ गया, 5 3 जा 15। ओके स्टूडेंट, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं जो इसी विधि से बनाया हुआ है। आप इसको देखेंगे, इस वीडियो को देखते हुए इस बुक को कंप्लीट करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से ये सवाल बना हुआ है। और इसको आप देख करके, वीडियो को देख करके आप रिपीट करेंगे, अपनी बुक में भी भरेंगे। ओके स्टूडेंट, आप आगे देखिए, कह रहा है कंप्लीट द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ओके, अब कह रहा है कि आप मल्टीप्लिकेशन विधि से इस डिवाइड को कंप्लीट कीजिए। तो 7 × बॉक्स में खाली जगह था इक्वल टू 21, यानी 7 को हम 3 से 3 बार मल्टीप्लाई किए, 7 × 3 = 21, यानी कि हम 21 को क्या किए, 7 से डिवाइड किए और 3 से डिवाइड किए, तो मेरा आंसर आ गया 3 और 7। उसी तरह 45 9 × 5 = 45, यानी कि इस 45 को हमको 9 से भी डिवाइड करना है और 5 से भी डिवाइड करना है, तो मेरा क्या हो गया, आंसर बन जाएगा। इस विधि से और भी सवाल दिए हुए हैं जो मैंने आपको बता के बना करके बताई हूँ। आप देखिए इस तरह से इस सवाल को आप वीडियो को देखते हुए कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस तरह से डिवीजन आपका डिवाइड जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है। अब आपको मैं डिवीजन फैक्टर के माध्यम से कल के क्लास में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, बाय।